हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कांचन। तो गाइस, यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि मैंने माइक लगाया हुआ है। तो इसकी वजह से क्या हुआ था कि माइक बीच में ही बंद हो गया था और बीच में ही वॉइस कट हो गया था। तो मैंने सोचा चलो पूरे इसमें वॉइस ओवर कर देती हूँ। अभी यहाँ पर मैं कर रही हूँ दीदी का मेक ओवर, मतलब मेरी जिठानी का मेक ओवर। आज आपको दीदी का मेक ओवर देखने के लिए मिलेगा और बहुत ही सुंदर सा मेक ओवर मैं करने वाली हूँ दीदी का। दीदी बोल रही थी कि इससे पहले मैंने कभी भी मेकअप नहीं किया है और यहाँ तक कि उन्होंने शादी में भी मेकअप नहीं किया था। तो अभी फर्स्ट टाइम दीदी मेकअप करने वाली है और देखते हैं कि उनको भड़कीला भी नहीं चाहिए। कहने का मतलब यह है कि उनका मेकअप भी हो जाना चाहिए और उनको पसंद भी आना चाहिए। तो इसकी वजह से मैं उनका अपनी तरफ से अच्छे से करने की कोशिश कर रही हूँ मेकअप। तो यहाँ पर मैं गुड वाइब्स का पोमोग्रेनेट टोनर यूज़ कर रही हूँ। उनके पोज मिनिमाइज हो जाएंगे उससे और टाइट हो जाएंगे। तो इसकी वजह से टोनर यूज़ करने के बाद अभी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ जॉय का। ये ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है ऑयली स्किन के लिए। तो ये मॉइस्चराइज़र अगर आप ऑयली स्किन वाले हो और मॉइस्चराइज़र स्किप कर देते हो लगाना मेकअप के पहले, तो मेकअप के पहले मॉइस्चराइज़र स्किप मत कीजिए, ये वाला मॉइस्चराइज़र यूज़ कीजिए। और मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है मेकअप के पहले। अगर आप मॉइस्चराइज़ नहीं करते हो अपनी स्किन तो मेकअप का वो पैची दिखने लगता है और अच्छा नहीं, फ्लॉलेस नहीं दिखता है। एंड हाँ, आपको बताना तो भूल ही गई मैं, अमेज़ॉन पे सेल चल रहा है, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, तो उसका फ़ायदा ले सकते हो। और जो भी मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, उन प्रोडक्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना। अगर आपको उनमें से कोई भी प्रोडक्ट पसंद आता है और परचेस करना है तो आप इस सेल में परचेस करना, ताकि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। बहुत ही कम प्राइस में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी इस सेल में। तो यहाँ पर मैंने प्राइमर लगा लिया है इनसाइड का। प्राइमर लगाने के बाद मैंने ये लिया है लॉरियल का इन्फेलेबल फाउंडेशन। तो सारी चीज़ों का लिंक एंड शेड सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप चेक ज़रूर कर लेना। यहाँ पर मैंने फाउंडेशन लेने के बाद अच्छे से डैम ब्यूटी ब्लेंडर से इसे ब्लेंड कर रही हूँ। अच्छे से ब्लेंड करना है, ब्लेंड करने में टाइम देना है, ऐसे घिसना नहीं है, अच्छे से ऐसे टैप टैप करके पुश करना है अपने स्किन में और अच्छे से इसे ब्लेंड कर देना है। तो ब्लेंड करने के बाद आप देखना बहुत ही अच्छा से फ्लॉलेस लुक आएगा। और ये ब्यूटी ब्लेंडर ना पैक का है, तो इसे मैंने वेट कर लिया था। इसका जो एक्सेस वाटर है मैंने उसको स्क्वीज कर लिया था और एक्सेस वाटर रिमूव करने के बाद मैंने इसे यूज़ किया। बहुत ही अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर है। अगर इसका भी लिंक मिल जाए तो मैं दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी यहाँ पर मैंने ब्लेंड कर लिया है जो फाउंडेशन है उसे। उसके बाद मैं यहाँ पर फेसेस कैनेडा का ये कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि दीदी के डार्क सर्कल थोड़े से थे, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर येलो कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ ताकि उनके डार्क सर्कल्स हाइड हो जाए और मैं उस पर थोड़ा सा फाउंडेशन बाद में अप्लाई कर लूँगी। तो यहाँ पर अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ये क्या बोलते हैं अपना कंसीलर, और उसके बाद ब्लेंड हो जाने के बाद उसे अच्छे से पाउडर से सेट कर लूँगी, लूज पाउडर से। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ये शुगर का ट्रांसलूसेंट पाउडर। ये बहुत ही अच्छा पाउडर है, आप अगर कोई अच्छे ट्रांसलूसेंट पाउडर की तलाश में हो तो आप इसे डेफिनेटली ले सकते हो। बहुत ही अच्छे से आपका मेकअप सेट कर देता है और बहुत अच्छा दिखता है इससे आपका मेकअप। तो ट्रांसलूसेंट पाउडर से मैंने मेकअप को सेट कर दिया है। अभी हिलारी रोडा का ये आईब्रो पैलेट यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा आईब्रो पैलेट है। अगर आप सस्ते में कोई आईब्रो पैलेट ढूंढ रहे हो तो इससे अच्छा आईब्रो पैलेट आपको कोई भी नहीं मिलेगा। बहुत ही अच्छा और बहुत ज़्यादा दिन या साल बोल सकते हो आप टिकने वाला है, क्योंकि मेरे तो ऑलरेडी मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ, उसमें भी मेरा 2 साल तो हो चुके हैं मैं यूज़ करते हुए इसे, बट फिर भी थोड़ा सा ही ख़त्म हुआ है, मतलब ये आराम से 4-5 साल चल जाएगा ऐसा है ये। तो यहाँ पर मैं हुडा गर्ल का ये आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ। तो आई शेडो पैलेट में इसमें आपको सारे कलर्स मिल जाएंगे। बिगिनर के लिए तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा आई शेडो पैलेट है। एक तो सस्ता है मेन तो, और दूसरा तो ये है कि इसमें सारे कलर्स आपको मिल जाएंगे। तो दीदी के साड़ी से मैचिंग मैंने शेड लिया है पिंक कलर और मैं अप्लाई कर रही हूँ। तो एक ही कलर लूँगी, दूसरा मैं गोल्डन कलर लूँगी, क्योंकि दीदी के साड़ी में थोड़ा सा गोल्डन कलर भी है। तो पहले मैंने पूरे आईलिड पे ये अप्लाई कर लिया है, क्या बोलते हैं पिंक कलर अप्लाई कर लिया है और अच्छे से ब्लेंड कर लिया है उसे। तो अच्छे से ब्लेंड हो जाने के बाद मैंने गोल्डन कलर पिक किया है, फिंगर से मैं इसे थोड़ा सा डैप डैप करके लगा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ऐसे शाइनी लुक भी आए, क्योंकि ये मैट आई शेडो है। इसमें कुछ मैट है, कुछ शिमरी है, तो ऐसे आपको सारे शेड्स मिल जाएंगे इसमें। आप इसे डेफिनेटली ले सकते हो, आप प्रैक्टिस के लिए इसे ले सकते हो इस आई शेडो पैलेट को।
उसके बाद मैं यहाँ पर फिक्सर यूज़ कर रही हूँ, ये स्विस ब्यूटी का फिक्सर है। इसकी वजह से क्या होता है कि आपका मेकअप फिक्स हो जाता है, उसके बाद आप दूसरा मेकअप करो तो ये लॉन्ग लास्टिंग रहता है। तो ये मेकअप सेटिंग स्प्रे नहीं है, फिक्सर है। बीच में आपको इसे यूज़ करना है जब ये वाली स्टेप हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर मैं इंस्टा लाइनर यूज़ कर रही हूँ जो लैक्मे का है, और ये भी मेरा ऑल टाइम फेवरेट लाइनर है। एक तो सस्ता है, तो मतलब बिगिनर के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है, काफ़ी ये भी एक दो साल चल जाता है आपका, इतना क्वांटिटी आपको इसमें मिल जाती है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी आपको इसमें मिल जाती है। और सिर्फ ये इसका ड्रॉबैक ये है कि ये वाटरप्रूफ नहीं है, वाटर रेजिस्टेंट है, तो आपको अगर बारिश में आप जा रहे हो तो ये थोड़ा बह जाएगा। तो अगर आप बारिश में नहीं जा रहे हो तो ये रेगुलर के लिए तो बेस्ट है। उसके बाद ये वाला जो मस्कारा है ना, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, शुगर का डुअल मस्कारा है, बट थोड़ा महंगा है। जिनको महंगे प्रोडक्ट चाहिए वो महंगे ले सकते हैं, बट जिनको सस्ते प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं या सस्ते प्रोडक्ट ट्राई करने हैं या क्या बोलते हैं आपको महंगे प्रोडक्ट आपको नहीं लेने हैं ज़्यादा, जो भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए तो जो मैं सस्ते प्रोडक्ट दिखाती हूँ ना वो सारे बेस्ट होते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर प्लम का काजल यूज़ कर रही हूँ। ये काजल भी यार, जिनको थोड़ा सा महंगा काजल चाहिए या लॉन्ग लास्टिंग काजल चाहिए तो ये आप डेफिनेटली ले सकते हो, मतलब उनके पास तो ये काजल होना ही चाहिए। उसके बाद ये आई मैजिक का पैलेट है, मैंने रिसेंटली लिया है, और मुझे ना, मैंने जितने भी आई मैजिक के प्रोडक्ट यूज़ किए हैं ना, उसमें सच में मुझे वो सारे प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मतलब मैं तो फ़ैन हो गई हूँ आई मैजिक के प्रोडक्ट की, क्योंकि आई मैजिक का ये भी पैलेट मैंने जब लिया ना, ये पैलेट यार, इसमें जो भी हाईलाइटर शेड है वो तो बॉम है। उसके बाद ये वाला कॉन्टर नहीं, ब्रॉन्जर शेड है, और उसके बाद उसमें दो ब्लश शेड मिल जाता है, एक हाइलाइटर मिल जाता है, मतलब दूसरा वाला जो पाउडर वाला हाइलाइटर होता है, और उसके बाद वो चमकी वाला हाइलाइटर दो मिल जाता है। मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा पैलेट है, सस्ता है, और मतलब दूसरे ब्रांड के कंपैरिजन में तो सस्ता ही है। उसके बाद उसमें शेड जो है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो डेफिनेटली इस पैलेट को आप कंसिडर कर सकते हो, और आई शेडो पैलेट को भी, और उसके बाद क्या बोलते हैं, जो भी मैंने सस्ते वाले प्रोडक्ट्स उसके बाद दिखाए वो भी। तो ये वाली मैं एनवाईबे की लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, और दीदी के मैचिंग, मतलब साड़ी से मैचिंग पिंक कलर की लिपस्टिक अप्लाई की है। उसके बाद मैंने ये वाली हेयर स्टाइल बनाई है। दीदी कितने हेयर स्टाइल भी ज़्यादा बनाती नहीं है दीदी, ऐसे ही पोनीटेल बांध लेती है या ऐसे ही जूड़ा बांध लेती है, तो मैंने यहाँ पर हेयर स्टाइल बनाई है। ऐसे ऐसे करके ही मैंने दो बार बाल लिए हैं, जैसे मैंने ऊपर के बाल लिए है ना, वैसे ही मैंने थोड़े नीचे के बाल लिए, दो बार लिए और क्लचर लगा लिया। पहले मैंने टिक टैक पिन से सिक्योर किया और नीचे वाले को क्लचर लगाया। तो यहाँ पर हो गया है दीदी का लुक कंप्लीट। मैंने एक मंगलसूत्र दीदी को पहना दिया और झुमके पहना दिए, बिंदी लगा दी, और कैसा लग रहा है मेकअप ज़रूर बताना। दीदी को तो बहुत ज़्यादा पसंद आया था, मतलब जैसे ही मैंने मिरर दिखाया उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। बोल रही थी मुझे कि मैंने फर्स्ट टाइम इतना मेकअप किया है, और हम लोगों ने फोटोज भी क्लिक किए, भैया को भेजे तो भैया बोले कि ये कौन है, मैं तो पहचानता भी नहीं हूँ इसे, मतलब पहचान में भी नहीं आ रही है मेरी बीवी मुझे, तो मजाक कर रहे थे। बट बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था मेकअप, रियल में तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और सच में फर्स्ट टाइम किया ना तो उनको भी बहुत खुशी हो रही थी। अभी आप पूरा लुक देख लीजिए दीदी का। तो यहाँ पर ये साड़ी इस तरह से है, पिंक एंड पर्पल कलर में थोड़ा सा कॉम्बिनेशन, उसके बाद ब्लू बोल सकते हो, उसके बाद मेकअप कुछ इस तरह से है। तो इस तरह से दीदी की हाइट थोड़ी कम है, तो इसी वजह से आपको पता चल ही रहा होगा इसे, और इस तरह से बैक लुक दिख रहा था, बहुत सुंदर सा मेकअप हुआ था और बहुत ज़्यादा अच्छा, और उन्होंने फर्स्ट टाइम किया था तो उनको और भी ज़्यादा अच्छा लगा था, तो उन्होंने तो मुझे 10 out of 10 दे दिए थे। आप कितने दोगे 10 में से वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आपकी तरफ से ये मेकअप पास रहा या फेल वो भी ज़रूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में।